इसमें वॉइस ऑफ टेक्निक वॉइस ऑफ इंटरनेट का तकनीक का भी इस्तेमाल
फिर आता है सब। यह किसी नेटवर्क का ऐसा कंप्यूटर है जो कि सारे नेटवर्क के लिए किसी एक खास काम की जिम्मेदारी संभालता है। उदाहरण के लिए अगर किसी नेटवर्क में प्रिंट सर्वर है तो वह नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों के प्रिंट निकालने संबंधी काम की देखरेख कर सकता है। सर्वर क्या होता है कि वो एक खास काम की जिम्मेदारी लेता है। उदाहरण के जैसे हम देखें तो किसी कंप्यूटर में अगर प्रिंट सर्वर है तो वो सभी कंप्यूटरों के प्रिंट निकालने संबंधी काम करता है। तो यह था सर्वर। अब देखें फैक्स। इसे हम फैक्सी लाइन भी कहते हैं। यह रेडियो तरंगों या फिर टेलीफोन लाइनों से लिखे जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना और उसे उसी स्वरूप में हासिल करना संभव बनाता है। साधारण फैक्स मशीन से जब दूसरी सूचना भेजी जाती है तो वह उसकी लिखी और ग्राफिक जानकारी को स्कैन करती है और टेलीफोन नेटवर्क से दूसरी फैक्स मशीन तक भेज देती है जहाँ उसे उसके मूल स्वरूप में हासिल किया जाता है। इंटरनेट और सूचना प्रणाली के लिए सूचना प्रणाली के आने के बाद इंटरनेट से भी फैक्स भेजना संभव हो गया है। यहाँ तक मोबाइल फोन पर भी आप फैक्स हासिल कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसे फैक्सी लाइन भी कहते हैं। यह रेडियो तरंग या फिर टेलीफोन की लाइनों से लिखित जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। यहाँ पर फैक्स मशीन हो और वहाँ पर भी फैक्स मशीन हो तो वह अपने असली रूप में भी वहाँ पर जहाँ जिस माटी की चाहिए वहाँ पर मिल जाती है। कहते हैं कि अब तो इंटरनेट का जमाना है तो वहाँ से इंटरनेट के जरिए भी फैक्स भेजा जा सकता है। तो यह था फैक्स। अब देखें आखिरी मॉडेम। मॉडेम डिजिटल डेटा भेजने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ते हैं तो वहाँ भी यह काम मॉडेम ही करता है। यह डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदल कर तरंगों के रूप में भेजा सकता है। कहते हैं मॉडेम का इस्तेमाल है वह डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जा सकता है। किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ दे तो वहाँ भी हम यह काम मॉडेम ही करता है। किसी लाइन टेलीफोन लाइन को इंटरनेट से जोड़ने का जो काम है वह भी मॉडेम करता है। यह डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदल कर तरंगों के रूप में भेजता है। तो यह विज्ञान भी यहाँ पर जो सूचना प्रौद्योगिकी है वह पूर्ण होती है। अब स्वाध्याय में मैंने और कुछ भी लिखा है और यहाँ एक बार में मैं भी देती हूँ कि स्वाध्याय में प्रश्न एक है जो एक दो वाक्य में उत्तर लिखे वो सारे के सारे लिखने हैं और प्रश्न दो है पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें जो चौथा प्रश्न है फोर्थ वाला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए वो लिखना है। दूसरे प्रश्न में सारे प्रश्न नहीं लिखने सिर्फ जो फोर्थ वाला प्रश्न है वो ही लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर यह पाठ में वो समाप्त होता है। थैंक यू।